कुमार सिन्हा मैं डॉक्टर सुबोध कुमार सिन्हा हूँ, महावीर कैंसर हॉस्पिटल में लायंस का जो ब्लड बैंक है उसी का एक छोटी हूँ इंचार्ज। लायंस क्लब के द्वारा ब्लड डोनेशन लायंस क्लब के द्वारा फोर्थ नाइट 15 दिन के अंदर 1000 यूनिट ब्लड जमा करने का इन लोगों ने मन बना रखा है। लायंस क्लब के द्वारा 1 अगस्त से 15 अगस्त के भीतर 1000 यूनिट ब्लड कलेक्ट करना है। कौन कौन क्षेत्र में आप लोग का ये पूरे बिहार में इसके ब्लड डोनेशन हो रहा है? पटना में तो कई दिन हुआ है, आज यहाँ हो रहा है, झेलम अपार्टमेंट में करा रहे हैं लोग, लायंस क्लब ऑफ पटना हारमोनी की तरफ से अच्छा डोनेशन है। लोगों को ब्लड देने के लिए आना चाहिए। हालांकि इधर जो कोरोना का जो प्रकोप हुआ उस वजह से सारे ब्लड बैंक में ब्लड की कमी हो गई, लोग डरने लगे आने से कि इन्फेक्शन हो जाएगा, लेकिन अब कोरोना का उतना प्रकोप नहीं रह गया है इसलिए ब्लड डोनेशन काफ़ी हो रहा है। ब्लड लोगों को देना चाहिए, मैं तो जागरूक करता हूँ। मैं पटना लायंस क्लब एंथम की प्रेसिडेंट हूँ, मैं सेक्रेटरी पूनम अग्रवाल। यहाँ पे आज जो डोनेशन कैंप लगा, कितने लोगों का आप लोग कैंप यहाँ पे आज कर रहे हैं ब्लड डोनेशन? देखिए, हम लोग की कोशिश तो रहेगी जितने से ज़्यादा मैक्सिमम लोग हो जाएं, क्योंकि इस कोविड काल में अभी ब्लड की बहुत कमी हो गई है, बट फिर भी हम लोग कोशिश है कि एटलीस्ट 40 to 45-50 तक लोग आए और इतना तो डोनेट करें, और इससे ज़्यादा हो जाए तो और बहुत ही अच्छी बात है। लायंस क्लब इस तरह के काम में हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। ऑलवेज हम लोगों के ये डिस्ट्रिक्ट 32E का 1 से लेकर 15 तक ये हम लोगों का ब्लड अवेयरनेस का डोनेशन का और अवेयरनेस का कैंप चल रहा है, और रोज ही कोई ना कोई क्लब इनफैक्ट 2-3 क्लब मिलके, कभी कोई एक क्लब मिलकर रेगुलर 15 डेज का हम लोगों का ये प्रोग्राम है ब्लड डोनेशन का। आप बताएं क्या क्या आपका आगे का प्रोग्राम है लायंस क्लब की तरफ? का तो प्रोग्राम चलता ही रहता है, एंडलेस है। हम लोग कभी वृक्षारोपण करते हैं, जैसे हम लोगों ने गरीब लोग को सिलाई मशीन दी, गरिमा प्रोजेक्ट अभी नया शुरू हुआ है हम लोग का, तो लायंस हंगर कितने भूखे लोग हैं कहीं कहीं सबको खाना खिलाना, और भी जितनी भी जरूरत होती है समाज में किसी का भी हेल्प करना हो उनके बारे में करते हैं। इस तरह का प्रोग्राम कब तक आप लोग चलाना चाहेंगे गरीबों के लिए? ब्लड डोनेशन का, ब्लड डोनेशन तो हम लोग साल में एक बार करते हैं, जैसे वाटर कूलर लगाना हुआ, स्कूल वगैरह में जहाँ गरीब बच्चे हैं उनको खाना खिलाना हुआ, नीडी को हम लोग हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। ये आप ब्लड डोनेशन पहली बार कर रहे हैं कि इससे पहले? नहीं, चौथी बार। कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस तरह? लोगों को हमेशा जब भी उन लोगों को मौका मिले तो उनको डोनेट करना चाहिए, इससे समाज सेवा होता है और ये बहुत अच्छा है। अपना नाम बताइए। नंदिनी। आप डोनेशन कितने बार किए? आप डोनेशन जो ब्लड डोनेशन कितनी बार कर? कैसा लग रहा है? अच्छा। लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे इसके लिए? मैं तो बोलूंगी कि जितनी ज्यादा आप लोग ये सब कर सके, ऐसे लोगों के हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, एंड ऐसे ही कोविड में बहुत ज्यादा ब्लड की कमी हो गई है हॉस्पिटल्स में, तो ज्यादा लोग आए और यहाँ पे ब्लड डोनेट करें। बहुत अच्छा ये मिशन चल रहा है लायंस क्लब की तरफ से, तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया एटलीस्ट ये करने का, तो मेरे को लगता है कि जितने अगल बगल के लोग या दूर से भी अगर आ सकते हैं तो प्लीज आके यहाँ पे ब्लड डोनेट करें।